हेलो एवरीवन, सी प्लस प्लस एसटीएल की सीरीज में आज हम लोग डबल एंडेड क्यू देखेंगे। और डबल एंडेड क्यू को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू डबल एंडेड क्यू समझ लेते हैं। डबल एंडेड क्यू का ये मतलब है कि दोनों एंड पे डिलीशन या दोनों एंड पे इन्वर्शन पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमारे पास एक 1 2 3 4 नाम से ऑलरेडी क्यू है और अब हम इसमें इन्वर्शन कराना चाहते हैं। हमने मान लिया कि ये वाला जो एंड है वो हमारा फ्रंट है और ये वाला जो एंड है एंड ये वाला लास्ट वाला ये हमारा रेयर है। तो हमें इंजर्शन अगर फ्रंट में कराना है तो हम फ्रंट में इंजर्शन कर सकते हैं। लेट से हमने 6 इंजर्ट कर दिया फ्रंट में। और अगर हमें इंजर्शन एंड में करना है तो हम इंजर्ट रेयर कर सकते हैं। तो इंजर्शन फ्रंट में भी पॉसिबल है, रेयर भी पॉसिबल है। इसी तरह से डिलीशन भी फ्रंट में भी पॉसिबल है और डिलीशन रेयर पे भी पॉसिबल है। तो दोनों एंड में हमारे डिलीशन और इंजर्शन पॉसिबल होंगे। डबल एंडेड क्यू को यूज़ करने के लिए हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा एक हेडर फाइल DEQUE डेक, और IO स्ट्रीम तो हमें इंक्लूड कराना ही होगा। यूजिंग नेमस्पेस STDB तो हम सबसे पहले डेक का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा DEQUE इंटीजर टाइप का एंड लेट्स से डेक का नाम है डी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंजर्शन करना है। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहले इंजर्शन कर रहे हैं डी डॉट पुश अंडरस्कोर फ्रंट, और इसमें हमने इंजर्शन कर दिया अलग से 1 का। तो फ्रंट में 1 का इंजर्शन हो गया। आप चाहें तो फ्रंट में एक और इंजर्शन कर सकते हैं। लेट्स हमने 6 इंजर्शन कर दिया फ्रंट में। एंड देन इसके बाद हमने इंजर्शन करना है रेयर पे। रेयर पे हमें बहुत सारी चीजें इंजर्ट करना है। लेट्स से हमने रेयर में इंजर्शन कर दिया 2। ओके, रेयर नहीं बल्कि हम पुश बैक कर देते हैं यहाँ पे। तो जो रेयर है उसका नाम हमने चेंज करके कर दिया बैक। सो पहले हम 2 इंसर्ट कर लेते हैं, देन 3 इंसर्ट कर लेते हैं, देन 4 एंड देन 10। और फ्रंट पे इंसर्ट एक और आइटम कर लेते हैं अपनी तरफ से। उससे हमने 11 इंसर्ट किया फ्रंट पे। तो ये हमारा क्यू जो दिख रहा है ऊपर, ऐसा हमारा क्यू बन गया। अब इसके एलिमेंट्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है, वही हम एक लूप लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं ऑटो, आइटरेटर है ये हमारा DQD के लिए, और प्रिंटिंग कराने के लिए हम सी आउट फंक्शन का यूज करते हैं और एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं। इसके प्रिंटिंग के बाद हम एक स्पेस लगा देते हैं जिससे कि हम समझ पाए कि सही प्रिंटिंग हुई है। डन करके देखते हैं इसको। सो यस, यू कैन सी दैट 11 6 1 2 3 4 10 ये हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो 11 6 1 2 3 4 10। इसके बाद अगर आप किसी एलिमेंट को उसमें से इरेज करना चाहें तो आप इरेज भी कर सकते हैं। इरेज करने के लिए आपको मान लीजिए कि आपको बीच से एक एलिमेंट डिलीट करना है, या चलिए हम एक बात मानते हैं कि हमें फ्रंट से एक एलिमेंट को डिलीट करना है, बल्कि हम दो एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं। सो डी डॉट पॉप फ्रंट, पॉप फ्रंट कर देते हैं जिससे कि फ्रंट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। एक बार और इसी ऑपरेशन को करेंगे तो दो एलिमेंट हमारे डिलीट हो जाएंगे। दोनों एलिमेंट के डिलीशन के बाद हम डिस्प्ले करते हैं। निश्चित रूप से आप देखते हैं कि हमारे पास फ्रंट में 11 और 6 है, ये दोनों डिलीट हो जाएंगे तो हमारे एलिमेंट्स जो डिस्प्ले होंगे वो होंगे 1 2 3 4 10। रन करके देखते हैं कि क्या ऐसी प्रिंटिंग होती है। यस, 1 2 3 4 10 यही हमारा डिस्प्ले हो रहा है। देन इसके बाद अगर हमें कोई किसी एलिमेंट को बैक से अगर डिलीट करना है, तो मान लेते हैं कि हमारे फ्रंट से डिलीशंस नहीं हुए बल्कि हम बैक से डिलीशन कर रहे हैं। पॉप बैक एंड देन अगेन पॉप बैक। तो हमारे 11 6 1 2 3 ये एलिमेंट डिस्प्ले होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 और 10 जो है वो हमारे डिलीट हो जाएंगे। तो रन करके देखते हैं।
यस यू कैन सी 11 6 1 2 3 इज बीन डिस्प्ले। नाउ इसके बाद हम इरेज फंक्शन का भी यूज करके डेटा एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने ये जो हमारा क्यू गिवन है उसमें से हमें 20 से किसी एक एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइंड करना पड़ेगा एलिमेंट को। या चलिए हम एक बिगिनिंग से दो एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं। तो बिगिनिंग से एक दो एलिमेंट डिलीट करने के लिए हम डी डॉट इरेज फंक्शन लगाते हैं, और इरेज फंक्शन लगाने के बाद यहाँ लिखते हैं डी डॉट बिगिन, जो कि हमें बिगिन का आइटरेटर दे देगा। एंड देन बिगिनिंग से हमें एक एलिमेंट अगर डिलीट करना है तो हमने बिगिन प्लस 1 लिख दिया। डिलीशन के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें एलिमेंट्स को डिस्प्ले करके देखते हैं। सो क्योंकि ये दो बार प्रिंटिंग कर रहा है इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ी दिख रही, यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं ऐसे आफ्टर डिलीशन, एक हैंडल लगा लेते हैं। यू कैन सी दैट कि बिगिनिंग से हमारा 11 डिलीट हो गया। सो बिफोर डिलीशन हमारा 11 6 1 2 3 4 10 है, और आफ्टर डिलीशन 6 1 2 3 4 10। अगर आपको यहाँ से दो एलिमेंट डिलीट करने हैं तो आपको यहाँ पे +2 लगा देना चाहिए। तो देखते हैं क्या दो एलिमेंट डिलीट होते हैं। यस यू कैन सी दैट कि बिगिनिंग से हमारे दो एलिमेंट 11 और 6 डिलीट होते हैं। सो डेक में हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल बिगिनिंग से ही आगे तक डिलीट कर सकते हैं, और इसमें अगर हम फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे तो हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो फाइंड कोई भी इसका सपोर्टिव फंक्शन नहीं है डेक का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और एसटीएल डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। थैंक यू।